साथियों, हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। हम राष्ट्रनीति से राजनीति को अलग कर करके चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्रभक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग-अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग-अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। साथियों, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं। इनमें से कई कार्यकर्ताओं को अपना बलिदान तक देना पड़ा है। हम सब हमारे इन कार्यकर्ताओं के परिवारों की पीड़ा में शामिल है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा ऐसे राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी और ये महासंघर्ष, ये महायज्ञ तब तक चलेगा जब तक लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हम परास्त नहीं कर देते।